जीपीटी वर्सेस ह्यूमन। ओपन एआई का चैटबॉट चैटजीपीटी अब तक कई एग्जाम पास कर चुका है। पिछले महीने कंपनी ने इसका नया वर्जन GPT-4 लॉन्च किया है, जो पहले से ज्यादा एडवांस और एक्यूरेट है। हालांकि अकाउंट्स के पेपर में चैटजीपीटी कैसा परफॉर्म करता है, ये जानने के लिए ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी और 186 दूसरी यूनिवर्सिटीज के रिसर्च ने इस चैटबॉट से अकाउंट्स का एग्जाम दिलवाया। साथ ही वही क्वेश्चन पेपर बच्चों को भी दिया गया। इसके बाद जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले थे। नतीजों से पता लगी ये बात। पेपर के बाद जब नतीजे सामने आए तो चैटजीपीटी की परफॉर्मेंस गजब की थी, लेकिन चैटबॉट से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन बच्चों ने किया था। बच्चों ने 76.7% अंक हासिल किए, जबकि चैटजीपीटी 47.4% ही ला पाया। हालांकि कुल क्वेश्चन में से 11.3% क्वेश्चन में चैटजीपीटी ने बच्चों से ज्यादा नंबर स्कोर किए। चैटबॉट ने ऑडिटिंग और AIS से जुड़े सवालों में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन टैक्स, फाइनेंशियल और मैनेजरियल असेसमेंट में चैटबॉट जूझता नजर आया और बच्चों से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया। अकाउंटिंग एजुकेशन में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट में बताया गया कि चैटजीपीटी ने ट्रू और फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये लड़खड़ा गया। ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी की एक छात्रा जेसिका वुड ने कहा कि चैटजीपीटी अभी परफेक्ट नहीं है और इसका इस्तेमाल हर जगह नहीं किया जा सकता। छात्रा ने कहा कि चैटजीपीटी से सारी चीजें सीखना अभी गलत होगा। इससे पहले भी कई एग्जाम में जूझता नजर आया है चैटजीपीटी। बता दें, ये पहली बार नहीं हुआ है जब चैटजीपीटी किसी पेपर में स्ट्रगल करता हुआ नजर आया हो। इससे पहले भी UPSC के एक पेपर में इस चैटबॉट ने कई गलत जवाब दिए थे। दरअसल इस चैटबॉट का ज्ञान सीमित है और ये करंट अफेयर्स और मैथमेटिक्स से जुड़े कई सवालों में गलत जवाब देने लगता है। हैरानी की बात ये है कि चैटबॉट अपने गलत जवाब को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपका भी कोई सवाल इस वीडियो से जुड़ा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके सवालों का जवाब तुरंत दिया जाएगा। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।